फ्रेंड, अब आप देखिए कि पुट्टी जो सिंगल कोड होती है किस तरीके से होती है और कैसे करी जाती है, मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारी गुरमाला है और ये हमारा पुट्टी फनर है। हो सकता है आपके इधर इन चीजों से और कुछ बोलते हो, तो हमारे यहाँ जो बोलते हैं इन चीजों से, तो मैंने आपको दिखा दिया है। तो आप देखिए कि सर्वप्रथम जैसे अपने ये सिंगल कोड अपन को इस पर पुट्टी करना है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें अपन को सफाई करना है पहले तरीके से। तो ये फनर से अपन इसकी जिस तरीके से अपन को बड़ी बेहतर है इसकी सफाई करते हैं। इसमें सफाई से क्या रहता है, इसमें जो दाने रहते हैं ना ऊपर, ये दाने पूरी तरीके से हट जाते हैं इसके से। जब ये दाने हटेंगे तो अपन सिंगल कोड इस पर डालेंगे तो पुट्टी की लेयर जो बनती है अपनी एकदम क्लियर आती है। अगर पुट्टी अगर अपन ने इसकी सफाई नहीं करी तो उसमें क्या अल्टर बन जाते हैं, लंबे लंबे दाने टाइप के, तो वो अपन को इस तरीके की गलती नहीं करना है। तो दोस्तों इसकी हमने बड़ी तरीके से सफाई कर ली है अपने फनर से। और दूसरी चीज, सफाई करने के बाद इसकी फनर से अपने इसमें हमने झाड़ू लगा चुके हैं। झाड़ू लगाने से इससे क्या है, धूल वगैरह है ये पूरी तरीके साफ हो गई है। ये हमारा मटेरियल रखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये पुट्टी, ये अपनी भंडार कंपनी की पुट्टी है जो होगी अभी कुछ ही महीने पहले लॉन्च हुई है। तो हम इस पुट्टी को कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि पुट्टी सिंगल कोड किस तरीके से करी जाती है। कुछ भाई लोग क्या करते हैं के आड़ा खड़ा चला दिया, खड़ा चला दिया, जिनको जानकारी कुछ है नहीं है और बस करते रहते हैं। तो मैं आपको इस प्रथम नियम बता दूं कि सफाई होने के बाद कि सर्वप्रथम जो सिंगल कोड पुट्टी होती है हमेशा खड़े में करी जाती है इस तरीके से। इस तरीके से पुट्टी अपने खड़े में करी जाती है। जब ये खड़े में पुट्टी होगी तो उससे ये रहता है कि जब अपन ने सिंगल कोट खड़े में पुट्टी कर दी, इसके बाद अपन जो सेकंड कोट पुट्टी क्या करते हैं वो आड़े में करती है, मतलब कि माइनस प्लस में ही होती है। और दूसरी चीज अगर आपको बता दूं तो इस तरीके से अपन ने माल चढ़ाया पुट्टी का, अब इसलिए क्या रहता है एक ही आती है ऐसे खड़े खड़े करने में। देखिए आपको दिखा दूंगा बारीकी से, तो देखिए ये बारीक बारीक इसमें छिद्र बन गए, छेदे बन गए, गड्ढे हुए होते हैं। अब इधर से आई जैसे ऊपर चलाने की करने के बाद इसको अपन इस तरीके से नीचे भी करना है, तो उससे क्या दोनों तरफ करने से दीवार अपनी लेवल में आ जाती है। और अब इस बात का सवाल कि पुट्टी कितनी मोटाई होना चाहिए पुट्टी की, तो जो पुट्टी अपन कर रहे हैं या कोई सी पुट्टी हो, अपन देखो क्या है, मैं किसी कंपनी की करना नहीं चाहता कि ये बसी वो बसी। इसमें क्या रहता है, पुट्टी की जो लेयर है जब अपन गुरमाला से माल चढ़ाते हैं तो अपनी 1 mm, आप समझ रहे हैं, 1 mm लेयर से ज्यादा नहीं चढ़नी चाहिए पुट्टी। तो दोस्तों आपको मैंने अभी दिखाया था कि अपने सिंगल कोट पुट्टी अपन ने किस तरीके से करी थी, ठीक है। तो अब आप देखिए कि हम सेकंड कोट पुट्टी इस पर किस तरीके से कर रहे हैं। आइए ये आप देखिए कि मैंने अभी आपको बताया था कि सिंगल कोट पुट्टी जो होती है अपन खड़े में चलाते हैं इसको। अब इसका कारण कि अब आप देख रहे हो, आप सोच रहे होगे कि भैया अभी खड़े में भी सिंगल बता रहे थे और डबल में भी सिंगल ही दिखा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वही चीज आपको गौर करने वाली है, क्योंकि ये धार है यहाँ पर, जब धार पे क्या रहता है इस तरीके से मटेरियल चढ़ाते हैं अपन ऊपर नीचे, तो उसमें क्या है जी धार जो माल आ गया है इस तरीके से अपन इसको कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करेंगे तो अपनी धार एकदम क्लियर बन जाएगी। जी देखिए तो क्या है, धार के लिए अपन इसको कर देते हैं ऐसा, ये अपनी धार बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन को आगे बढ़ाना है पुट्टी के लिए। तो आप देखिए सेकंड कोड, ये देखिए सेकंड कोड हमेशा आड़े में चढ़ाया जाता है। और देखिए सेकंड कोड हमने जो चढ़ाया है, इससे पहले हमने इसकी अपने वाटर पेपर से घिसाई करी थी। तो क्योंकि मैं अभी आप भूल गया था इस चीज को बताने के लिए कि हमने इस पे 180 नंबर वाटर पेपर लगाया पहले सिंगल कोड पर, इसकी बढ़िया सफाई करी बेहतरीन है, घिसाई करने के बाद बढ़िया धूल साफ करी, फिर इसके बाद हम सेकंड कोड पुट्टी इस पे कर रहे हैं। आप गलती से भी ऐसी गलती मत करना कि सेकंड कोड जो फर्स्ट कोड जो पुट्टी है अपन ने करने
जैसे अपन ने फर्स्ट कोट करी और वो सूख गई, और इसके बाद अपन को उसकी घिसाई करना जरूरी है। घिसाई उससे करेंगे और इसके बाद उसकी सफाई करेंगे, फिर इसके बाद अगर पुट्टी अपन उसके ऊपर चढ़ाते हैं तो जो लेयर रहती है, एक लेवल माल चढ़ता है मटेरियल जो होता है अपना, क्लियर आएगा? जो दीवार है अपनी एक लेवल आएगी। अगर अपन बिना घिसाई के पुट्टी करते हैं तो उसमें क्या रहता है, हम ऊंचा नीचा ऐसे तरीके से पुट्टी आएगी। अब कुछ लोग आप कहते हैं कि भाई ये दो कोट पुट्टी हो चुकी है और क्या तीन कोट पुट्टी करना भी जरूरी है? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने क्या है, अपनी बॉल के ऊपर निर्भर करती है ये चीज। बॉल मतलब अपना प्लास्टर के ऊपर, कि प्लास्टर में अगर जो फिनिशिंग अच्छी होगी तो अपना सेकंड कोट पुट्टी में ही काम हो जाता है, उसमें तीसरा कोट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस अपन लाइट जलाकर तरीके से घिसाई करने के बाद उस पर अपन कलर अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर अपना प्लास्टर खराब है तो अपन उस पर तीन कोट लगा सकते हैं। अब तीन कोट पहले अपन ने लगाया माइनस में, मतलब खड़े में, सेकंड आड़ा फिर खड़ा, तीन कोट इस तरीके से पुट्टी लगा। फिर इसको अपन को 220 या 320 नंबर से उसकी घिसाई करना है। इसके बाद बढ़िया अपने मन पसंद जैसे उस पर कलर अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ और आपको बता दूँ कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको पुट्टी पीओपी या मकान से संबंधित हमारे जो पेंटर लाइन में आता है किसी भी काम, आपको कोई परेशानी है, किसी चीज़ की आप जानकारी लेना चाहते हैं वाटर प्रूफिंग के बारे में, अन्य किसी चीज़ के क्रैक्स वगैरह के बारे में, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक। कि मैंने सेकंड कोट और फर्स्ट कोट पुट्टी किस तरीके से कर दी जाती है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप सर्वप्रथम तो आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी साइट, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे, ये देखिए सीलिंग किस तरीके से कंप्लीट हो चुकी है इसमें, और अपना जो पूरा हमने नीचे अपना सेकंड कोट लगा चुके हैं, अभी अपना सेकंड कोट ऊपर लगना बाकी है, ठीक है? और आप इस रूम में आ सकते हैं, ये आप देखिए कि अपने इसमें भी हमने सेकंड कोट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और आप देखिए इसकी वाइटनेस, इसकी क्वालिटी, जो पुट्टी हमने करी है वो आपको क्लियर दिखी रही है, मैं आपको दिखाऊँ। और सर प्रथम बात एक और बता दूँ, आप इस रूम में और आइए, आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, ये देखिए ये हमारी जो साइड है, ये हम इस पर भी कंप्लीट कर चुके हैं, ये अपनी फॉल सीलिंग बन रही है। और ये हमारी जो साइड है लगभग लगभग 4 स्क्वायर फीट में ये प्लाट है अपना। एक साइड हमारी हमने चल आपको दिखा दूँ, जो कि हम बाहर उसमें अभी अपना वॉल प्लास्ट कंपनी का रजिस्टर कर चुके हैं, मैं वॉल प्लास्ट कंपनी का रजिस्टर कर चुके हैं, जी अपनी 6000 स्क्वायर फीट में ये अपने मल्टी बनी हुई है। तो ये साइड भी हमारी है। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, तो किसी जानकारी चाहते हैं तो मुझे कॉल करना।